आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। सो वी आर हैविंग ईच ऑफ दिस पर्संस मधु, नवीन, नयन, करण एंड तरुण हैव डिफरेंट नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइंस। ओके, द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस विद नवीन एंड नयन इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस विद मधु एंड करण। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस विद तरुण एंड मधु इज लेस देन दैट विद नयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो गाइस, टू बिगिन विद, यहां पर टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? पहला पर्सन है यहां पर मधु, इनको हम लोग नोट कर लेते हैं एक बार। वन पर्सन इज मधु, देन वी हैव नवीन, नवीन के बाद है नयन, ठीक है। इसके बाद यहां पर कौन है? करण है, और एक और पर्सन है तरुण, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट आपको यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इनको मैं यहां पर कर लेता हूं ट्रेस। तो देखिए, पहली बात आपको यहां पर क्या गिवन है कि यहां पर जितने भी पर्सन है सबके पास 1 रुपीज के कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है, और हर एक पर्सन के पास जो काउंट होगा दैट इज डिफरेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स। ओके, अब यहां पर आपको बेसिकली गिवन क्या है, दैट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विद नवीन एंड नयन। तो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं नवीन प्लस नयन, तो ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स कैरी कर रहे हैं वो वैल्यू कम है किसके कंपेरिजन में? दिस इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विद मधु एंड करण। मधु प्लस करण, इतना आपको समझ में आया। अब एक स्टेटमेंट और है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसके बाद आपको क्या गिवन है? ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विद तरुण एंड मधु इज लेस देन दैट विद नयन। इसको भी यहां पर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो आपसे यहां पर गिवन है दैट तरुण और मधु के कॉइंस का अगर मैं समेशन कर रहा हूं तो ये जो वैल्यू है ये लेस आ रही है किससे? नयन से, ठीक है। बट अगर मैं वापस इस वाली कंडीशन पर जाऊं दैट नवीन प्लस नयन इज लेस देन मधु प्लस करण, तो इससे आपको यहां पर बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, इस केस में तो आपको दिख रहा है कि नवीन और नयन के कॉइन का समेशन करने पे मधु और करण के कॉइन्स के कंपैरिजन में कम हो गया, बट यहां पर अगर आप देखें इंडिविजुअली तो जो नयन है उसके कॉइन्स तो मधु से ज्यादा होंगे होंगे, बिकॉज मधु और तरुण के कॉइन्स का समेशन करने पर ये वैल्यू लेस आ रही है किससे? नयन से, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आई कि जो नयन के पास कॉइन्स है वो मधु से ज्यादा है, ठीक है, बट ये चीज कहीं भी ऑप्शन में तो हमारे पास है नहीं। अब मैं वापस वाली कंडीशन पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो गाइस, अगर यहां पर जो कॉइंस है नयन के पास वो मधु के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये कंडीशन तभी करेक्ट हो सकती है जब जो नवीन पे कॉइंस हो, ठीक है, नवीन पे जो कॉइंस हो वो करण से कम हो। ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज यहां पर हुआ ये कि जो मधु है और जो करण है इनके कॉइंस का समीशन इन दोनों के समीशन से आ गया ज्यादा, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब जो नवीन पे कॉइंस हो वो किससे कम हो? करण के कंपेरिजन में, बिकॉज यहां पर जो नयन के कॉइंस हैं वो तो मधु से ज्यादा ही हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास निकल कर आ रही है इन दोनों स्टेटमेंट से, ठीक है। इससे मैं यहां पर बेसिकली क्या बता सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? करण पे कॉइंस ज्यादा होंगे, सो आई कैन से करण हैज मोर नंबर ऑफ कॉइंस देन दोज विद नवीन। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।